एक जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर उस जंगल का राजा भी था। उस शेर ने बहुत दिनों तक अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया था। शेर के शांत स्वभाव को देखकर जंगल के सभी जानवर आपस में चर्चा करने लगे थे कि हमारे राजा के पास अब ताकत नहीं है, इसलिए ये अब हमारे राजा रहने लायक नहीं है। जंगल के सभी जानवरों को महसूस तो हो रहा था, पर किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि शेर को यह बात बता सके। भले ही जानवरों ने शेर से यह बात नहीं कही थी, परंतु शेर को इस बात की भनक पड़ चुकी थी। शेर ने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि जंगल में उसके बारे में क्या क्या बातें हो रही है। एक दिन एक लोमड़ी ने सभी जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा कि अब अपना राजा ताकतवर नहीं रहा है, इसलिए अब हमें अपने राजा बदल देना चाहिए। लोमड़ी के इस बात का पहले तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी ने यह कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन हमारे राजा के पास जाकर कौन यह कहेगा कि अब आप में ताकत नहीं है और हमें अपना राजा बदलना है। लोमड़ी ने कहा, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। उसने कहा, मैं कल अपने राजा को साथ में कहीं घूमने के लिए ले जाऊंगी। मैं राजा को ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां पर एक ताकतवर बाघ रहता है। मैं वहां राजा की लड़ाई उस ताकतवर बाघ से कर दूंगी। वहां अपना राजा हार जाएगा और हम उस बाघ को अपना नया राजा बना देंगे। जंगल के सभी जानवरों की इस योजना की खबर पास के जंगल के भेद्दियों को पड़ जाती है। भेद्दियों ने योजना बनाई, अपने पास के जंगल में राजा कमजोर हो गया है, हमें तुरंत उस जंगल पर आक्रमण कर देना चाहिए। जब शेर को इस बात का पता चला कि मेरे जंगल पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, तब तुरंत शेर अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है और सभी भेदियों को भगा देता है। शेर की इस जीत और ताकत को देखकर जंगल के सभी जानवर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। अब वे सभी अपने राजा से माफी मांगते हैं और जंगल का राजा अपनी प्रजा की इस भूल को माफ कर देता है। इस घटना के बाद शेर ने जंगल के सभी जानवरों से कहा कि आप लोगों को मुझसे कभी भी कोई शिकायत हो तो बेशक निडर होकर मुझसे आकर कहे, मैं आप लोगों की समस्या सुनने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का शांत स्वभाव उसकी कमजोर नहीं होती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के शांत स्वभाव को उसकी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शांत रहने वाला व्यक्ति हमेशा समझदार, साहसी, निडर होता है और समय आने पर सही निर्णय लेता है।